अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वादे अंजुमन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट कोरमा। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ चिकन, 1 kg चिकन ली हूँ मैंने। 1 kg चिकन के हिसाब से 4 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने रफली काट ली हूँ, कुछ हरी मिर्ची ली हूँ, यहाँ पर थोड़े बादाम, थोड़े काजू। बादाम और काजू को आप पहले से गर्म पानी में भिगा कर रखें। ये काजू बादाम का मैंने पहले से पेस्ट तैयार करके रखी हूँ। बादाम के छिलके उतार दें, बादाम को भिगा के बादाम के छिलके निकाल दें और काजू और बादाम को दोनों को एक साथ पेस्ट बना लें। फिर यहाँ पर मैं कुछ गरम मसाले यूज़ कर रही हूँ, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा है और थोड़ी दालचीनी, और यहाँ पर दही 1 कटोरी, ये फ्रेश क्रीम है, ये नमक, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़े चम्मच पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद तेज़पत्ता छोड़ के बाकी सब गरम मसाले तेल में ऐड कर देंगे। हल्का सा गरम मसाले को तेल में हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, वाइट कोरमा बनाने के लिए हमको प्याज को बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने देना है। बस प्याज को हल्का सा तेल में पकाना है, प्याज पूरी तरह से तेल में नहीं फ्राई करना है। और ये देखिए, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है और प्याज की अच्छी पकी हुई खुशबू आ रही है, कच्ची स्मेल प्याज की निकल गई है। यहाँ पे मैंने प्याज के साथ हरी मिर्ची भी ऐड कर ली हूँ। इसको भी 1 मिनट तेल में फ्राई करने के बाद प्याज को निकाल लेंगे तेल से। इसको पेस्ट बनाने के लिए हम दूध डालेंगे, आप पानी भी यूज कर सकते हैं। कोरमा बघारने के लिए मैंने यहाँ पर 1 फूल, 2 टुकड़े छोटे दालचीनी और 1 बड़ी इलायची ली हूँ। तेल गर्म हो गया है और ये तेज़पत्ते ये तेल में डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से अच्छी से खुशबू आने लगेगी, उसका तो मिक्सा निकल जाएगा। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के साथ में चिकन को पकाएंगे 2 मिनट के लिए चलाते हुए।
में नमक ऐड कर देंगे। नमक के साथ ही इसमें दही भी ऐड कर देंगे। और अब इसको भूनेंगे, दही और नमक के साथ में चिकन को अच्छे से भूनेंगे। दही ने पानी छोड़ा है और चिकन का भी पानी है, ये पूरा पानी सुखाए तक चिकन को अच्छे से भूनेंगे। दही के साथ चिकन को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं, दही का पानी सूख गया, चिकन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो हमने प्याज और गरम मसाला और हरी मिर्ची का पेस्ट जो बनाए थे वो इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमारी पकी हुई है इसलिए उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें काजू और बादाम का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। और इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखिए 3-4 मिनट पकने के बाद चिकन भी अच्छे से गल गया है। अब इसको खुला गैस पास करेंगे और इसको भूनेंगे। ये देखिए कोरमा अच्छे से भुन चुका है, तेल पूरा ऊपर आ चुका है। अब आप लोगों को अगर ग्रेवी थोड़ी पतली करना है तो आप यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बहुत टेस्टी लगती है ग्रेवी, लाइट ग्रेवी। तो मैं इसमें अभी पानी या दूध कुछ ऐड करने वाली नहीं हूँ। गैस बंद कर दूँगी मैं और फिर इसमें ऊपर से ऐड करूँगी खीर। दो चम्मच भर के इसमें क्रीम ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। क्रीम भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं ऐड करूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है कसूरी मेथी का तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। दो मिनट के लिए चूल्हा वापस ऑन कर लीजिए। ये देखिए हमारा व्हाइट कोरमा रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट चिकन कोरमा बनके रेडी हो गया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।